हेलो, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं अनीता सिंह, अनीता की जिंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस, चलिए आज इस वीडियो में पहले नहीं कुछ बताने वाली हूँ और मैं आप लोग को कुछ शेयर कराऊँगी। देखिए क्या चीज़ है आप लोग के साथ। तो मैं किचन में आ गई हूँ यहाँ पर। गाइस देखिए, ये मेरा ये इसको भुंजिया बोलिए या भांजी कहिए, ये दोनों हमारे यहाँ बोला जाता है। तो मैं आलू और बीन्स की आज भांजी बना रही हूँ। ये मेरा पर डे का, ये तो इसको खाना समझिए, सब्जी समझिए, जो क्योंकि हमारे जो लड़का है वो सब्जी पसंद नहीं करता है, तो मैं उसके लिए पर डे भांजी बनाती हूँ। तो कभी कभी होता है कि कुछ नहीं रहता है तो सिर्फ आलू के ही बना देती हूँ, और रहता है तो उसमें कुछ ऐड कर देती हूँ। तो आज दो चार वो बीन्स था तो मैं बीन्स डाल दी हूँ। तो गाइस देखिए, आज इस वीडियो में और कुछ नहीं दिखाऊंगी, जो मैं पर डे खाना अपने यहाँ बनाती हूँ और अपना परिवार फैमिली को खिलाती हूँ, बस वही शेयर कर रही हूँ गाइस। तो ये मेरा भाजी हो गया, इसको बहुत टेस्टी बनता है। बीन्स डालकर कभी अपने यहाँ बनाइएगा, ये बीन्स को जो भाजी बोलते हैं या भुंजिया, बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए, मैं आलू की भरता बनाने वाली हूँ। ये मेरा हरी मिर्च हो गया, उसको कट कर ली हूँ, और चार मेरा आलू को अच्छी तरह से उसको बॉयल कर ली हूँ। बॉयल करके और उसमें टमाटर कट कर दी हूँ दो, और थोड़ी सी उसमें प्याज डालूँगी गाइज, क्योंकि जो हमारे आलू होते हैं उसमें मीठापन रहता है, तो ज़्यादा उसमें प्याज डाल देने से थोड़ा उसका स्वाद है वो अलग हो जाता है। उसमें कम ही प्याज को डालना चाहिए। तो बस मैं छोटी सी प्याज ली हूँ और रख दी हूँ गैस पर अपना कढ़ाई को। मेरा कढ़ाई है जो गर्म हो गया है। तो गाय कभी कभी ऐसा होता है हमारे यहाँ सब्जी नहीं रहता है, तो मैं इसी तरह अपने आलू जो रहता है घर में तो मैं बना देती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि कभी की मान लें कि सब्जी नहीं आया बाज़ार से, तो हम लोग अजमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या सब्जी बनाएं क्या सब्जी बनाएं। कैसे कभी होता है कि घर में आलू हो तो हम चाहेंगे तो आलू से दो तीन किस्म की हम सब्जी बना सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं, और हम अपने फैमिली को बहुत टेस्टी और स्वाद से खिला सकते हैं गाइज। तो देखिए, यहाँ मैं जो हमारा आलू है उसको भरता बनाने के लिए बस जीरे की तड़का लगा दी, और जीरा मेरा चटक गया तो थोड़ी सी सरसों डाल दी, क्योंकि सरसों डाल देने से उसका जो टेस्ट है और बढ़ जाता है। तो जीरा और सरसों और हरी मिर्च का तड़का लगा दी, उसके बाद थोड़ी सी चटक जाने के बाद उसमें प्याज डाल दी। तो मेरा ये प्याज है वो धीमी आंच पर इसको फ्राई करूँगी, और इसमें नमक स्वाद अनुसार, जितना मेरा आलू है उसी के मात्रा में मैं इसमें नमक डाल दी गाइज। तो कभी कभी इस तरह से खाना बनाने में बहुत समय भी कम लगता है और टेस्टी भी बनता है। तो अपने यहाँ बनाकर एक बार इस तरह से खाइएगा, और बनता भी होगा तो बनता होगा तो थोड़ा जैसे मैं बना रही हूँ उसी अंदाज से आप बनाइएगा, उसी तरीके से बनाइएगा। जो हमारे प्याज है, कितने लोग क्या करते हैं पूरे उसको ब्राउन कर देते हैं, तो हल्की ही प्याज में ब्राउन होना चाहिए गाइज। उसके बाद में जो हमारे टमाटर है उसको मैं डाल दी, तो इसको भी गलते वक्त इसको मैं पकाऊंगी धीमी आंच पर। तो बस देखिए, मेरा जो आलू का मसाला है बनकर तैयार हो गया है, ये पक चुका है। तो इसमें आलू मसल के अच्छी तरह से उसको डाल दी, बस इसी तरह इसको भूनते हुए 2 मिनट इसको मिक्स करूंगी गाइज। तो कभी कभी होता है हमारे यहाँ सब्जी नहीं रहता है तो मैं इसी तरह खाना बना लेती हूँ गाइज। तो मेरा जो भरता है बनकर तैयार हो गया है, और ये जो है हरी धनिया पत्ता है, बस उसको कट करके डाल दी हूँ और चारों तरफ से इसको मिक्स कर ली हूँ, क्योंकि ये जो भी आलू है तो पका हुआ है, बस सिर्फ इसमें जो मसाले हमारे थे बस उसी को फ्राई करना था। तो देखिए, मेरा जो भरता है वो बनकर तैयार हो गया है, और जो हमारे हस्बैंड है वो भी तैयार है खाना खाने के लिए, क्योंकि उनको ड्यूटी निकलना है। तो बस यहाँ पर मैं खाना निकालने लगी। तो ये मेरा सुबह का है, यहाँ पर मैं खाना दे रही हूँ। सुबह चावल ही कभी कभी खाकर जाते हैं, इनका
कोई टाइम नहीं रहता है, जो मैं तैयार करती हूँ खाना में बस वही खाकर निकल जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कभी साथ में भी ले लेते हैं, तो बस यही दाल है मेरा, तो दाल गए ये राहड़ और मूंग की दाल है। हमारे यहाँ लोग पतली ही दाल पसंद करते हैं, तो मैं पतली ही दाल बनाती हूँ। कितने कितने लोग घर थोड़ा गाढ़ा भी बनता है, तो बस दाल निकाल ली और 2 चम्मच इसमें घी लगा दी, क्योंकि जो मलाई निकालती हूँ गाई उसमें से मेरा घी तैयार हो जाता है घर में खाने के। तो बस यहाँ मेरा भरता हो गया और मैं सब्जी रखी हूँ थोड़ी सी इसमें लगा दूंगी। मेरा ये खाना है बनकर तैयार हो गया है और बस खिला दूंगी गाइज। तो थोड़ी सी भी अगर आप लोग की मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा।